हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको मट्टी गार्डनिंग चैनल पर, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मट्टी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे पास में एक कमेंट आया था और मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं कुछ बायो क्रेव के सीड्स परचेज करूँ और उनको लगाऊं और उनका पूरा वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं कि उनमें किस तरीके की ग्रोथ होती है और उनका क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ बायोक्रेव के सीड्स परचेस किए हुए हैं। ये सभी के सभी विंटर्स प्लांट्स हैं। ये है डैनथस का प्लांट है और कैलेंडुला, नेस्थेथियम और ये हॉलीहॉक। तो ये चारों सीड्स मैंने जो है परचेस किए हुए हैं, इनको मैं अब लगाऊंगा और इनमें आगे चल के देखेंगे कि इनमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि मेरे आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले विंटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर करने वाला हूं। मैं इस साल लगभग 30 से 40 विंटर प्लांट्स के सीड्स लगाने वाला हूं और उनका टाइम बाई टाइम पूरा वीडियो आप लोग के साथ में अपडेट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इनको लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉट लिया हुआ है और पॉट में अच्छी खासी होल है नीचे, तो आपका ध्यान देना है अच्छी खासी होल होनी चाहिए। उस पर मैं एक छोटा सा कपड़ा रख दूंगा। कपड़ा रखने से दोस्तों फायदा ये मिलेगा कि हमारा पॉटिंग मिक्स नीचे नहीं गिरेगा। अब मैं दोस्तों देखिए इनमें सॉयल ऐड करने वाला हूँ। सॉयल मैंने जो है ली हुई है, इसमें 50% कंपोस्ट है और 50% कोकोपीट है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, ये सॉयल थोड़ी सी गीली है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने ये सॉयल बना के रखी थी और बारिश हो गई, उसकी वजह से गीली हो गई। तो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है गीली होने से, इसको हम अपने पॉट में डालेंगे और इसी में शील्डिंग करेंगे। तो चल मैं सबसे पहले इस सॉयल को पॉट में भर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने सॉयल को अच्छे से भर लिया है और इसके ऊपर दोस्तों हम एक छोटी सी बेड बना देंगे सूखे कोकोपीट का, ताकि हमारी सीड जो है वो इधर उधर ना हो। अब देखिए दोस्तों, हमने नेस्थेथियम के सीड्स लिए हुए हैं। नेस्थेथियम एक बहुत ही अच्छा विंटर्स फ्लावर है। इसमें रेड कलर के फ्लावर और येलो कलर के दो तरीके के इसमें फ्लावर आते हैं। मैंने तो अभी तक दो ही कलर इसमें देखे हुए हैं, और भी कलर अगर आपने देखे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इनको मैं सबसे पहले कट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे सीड्स निकले हैं, तो काफ़ी बड़े सीड्स हैं। इनको लगाते हैं, थोड़ा दूर दूर लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी के सभी सीड्स लगा दिए हैं। कोशिश किया है कि सभी सीड्स को अलग अलग लगाया है ताकि इनमें जब जर्मिनेशन शुरू हो तो आसानी से उनको हम डेवलप कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इनको कोकोपीट से कवर कर देते हैं। हल्का हल्का सा कोकोपीट से हमें कवर करना है, बस इतना कि हमारा सीड जो है वो दिखना बंद हो जाए। दोस्तों, इनमें अच्छे से वाटरिंग करनी है, पूरा पानी देना है कि पानी पूरा नीचे तक ड्रेन आउट हो, और उसके बाद इसको 2-3 दिन सैडी एरिया में रख देंगे पेपर से कवर करके। तो मिलते हैं दोस्तों इसके अब नेक्स्ट अपडेट पर। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो हमने बायोक्रेफ्ट के सीड्स लगाए थे 5 अक्टूबर को, उनका देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। आज मैं आपको एक हफ्ते के बाद का अपडेट देने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है नेस्थेथियम
तो नेस्ट स्टेडियम में देखिए काफ़ी अच्छे प्लांट्स हमारे ग्रो हो गए हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं, मेरे लिए बहुत पर्याप्त हैं। मैं हैंगिंग बास्केट में इनको लगा दूंगा और दोस्तों इनका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूँ जो आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा चलिए दोस्तों देखते हैं, ये है दोस्तों आइस प्लांट। तो आइस प्लांट के भी दोस्तों देखिए बहुत सारे प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी जो है हमने 5-10 को लगाए थे, तो इसका भी एक वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। उसमें दो प्लांट्स को एक साथ दिखाऊंगा, एक आइस प्लांट है और इसके साथ में शायद आई थिंक इसकी एक केल है या कोई दूसरा प्लांट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा देख लेते हैं, ये है दोस्तों डैंथस। तो डैंथस में देखिए दोस्तों, इनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं और इनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों इनको मैं नीचे देखिए, यहाँ पर मैं नीचे से ही पानी दे देता हूँ, यहाँ पर मैं पानी दे देता हूँ, ये पानी ऊपर पूरा सक कर लेते हैं। तो अगर इनको मुझे नीम साइड देना होता है तो मैं इनको ऊपर से ही स्प्रे कर देता हूँ। तो थोड़ी बहुत केयर हमें करनी है, ज़्यादा कुछ केयर करने की जरूरत इनमें होती नहीं है, बारिश से इनको बचाना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने ग्रीन नेट के नीचे इनको रखा हुआ है। इसके अलावा चलिए दोस्तों देखते हैं, ये है दोस्तों केल। तो केल में देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी जर्मिनेशन अभी नहीं शुरू हुआ है। दोस्तों इनके सीड्स मैंने लगाए थे, इनको पेपर से रैप करके मैंने ढक के रख दिए थे। उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने देखा तो इनके काफ़ी सारे सीड्स ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में शायद इनके सीड्स में कुछ फंगस लग गया हो। अभी इनके सीड्स मेरे पास में और भी रखे हुए हैं तो उनको मैं फिर से ग्रो करूँगा। तो दोस्तों ये चारों के चारों सीड्स हमने बायोग्राफ के सीड्स लगाए थे। इनका मेरे पास में एक कमेंट आया था कि इनका एक वीडियो मैं आप लोग के साथ में सेपरेट शेयर करूँ, तो इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोग के साथ में ये वीडियो मैंने बनाया है। मैंने बायोग्राफ के सीड्स परचेज किए और उनका एक वीडियो आप लोग के साथ में विथ जर्मिनेशन आप लोग के साथ में बनाया। तो दोस्तों अब देखिए कि इनमें किस तरीके की जर्मिनेशन हमें देखने को मिली है। 3 प्लांट्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं और एक में अभी किसी प्रकार की कोई भी जर्मिनेशन नहीं मिली है, बट जिस तरीके से मुझे लग रहा है शायद इनके सीड्स अच्छे से मैंने कवर नहीं किए थे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ सीड्स रखे हैं उनको मैं लगाऊंगा। और दोस्तों इसके अलावा देखिए बहुत सारे सीड्स मैं इस बार ग्रो कर रहा हूँ, काफी सारे प्लांट्स के सीड्स हैं। ये डॉग फ्लावर है, पिटूनिया है, ये हॉली हॉक है, कई तरीके के सीड्स मैं ग्रो कर रहा हूँ। हॉली हॉक की देखिए दोस्तों, एक ये है हमारे पास में और एक जो है हमारे पुराने सीड्स भी हैं। तो काफी कुछ इस चैनल पे आपको आने वाले समय पर देखने को मिलने वाला है। बस दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारा जो है पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, बस इसमें कोकोपीट है और कंपोस्ट है और थोड़ी सी इसमें फंगीसाइड मैंने यूज़ किया है। तो देखिए बहुत सारा मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, बहुत जल्दी मैं बहुत सारे सीड्स फिर से ग्रो करने वाला हूँ। इस पॉटिंग मिक्स का भी एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, बट पॉटिंग मिक्स का वीडियो आप लोग को बाद में मिलेगा। अभी इस वीडियो का पूरा मैं अपडेट आपको इस वीडियो में दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास में अभी बहुत सारे सीड्स भी रखे हुए हैं, इनको भी मैं अभी ग्रो करने वाला हूँ। तो बहुत सारे सीड्स इनमें से मैंने लगा दिए हैं और बहुत सारे सीड्स अभी लगाने बाकी हैं। इस वजह से मैंने देखिए बहुत सारा पॉटिंग मिक्स भी तैयार किया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे जो है पिछले साल के भी सीड्स हैं। तो काफ़ी सारे मेरे पास में सीड्स हैं, इन सबको मैं ग्रो करूँगा। अभी अक्टूबर में जो मैंने सीड्स परचेज किए हैं इन सबको ग्रो कर दूंगा, फिर नवंबर और दिसंबर में इनको हम आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारे के सारे हमारे फ्री में सीड्स हैं, इनमें हमने कॉस्ट खर्चा किया है, तो इनको हम पहले ग्रो कर लेंगे, बाद में इनको भी साथ के साथ ग्रो करेंगे। आई होप कि ये वीडियो में आपको थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिली होगी सीड से रिलेटेड, और मेरे चैनल पर अभी आपको बहुत सारी सीड से रिलेटेड वीडियो आगे भी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो का दोस्तों मैं एंड यहीं पे करता हूँ। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।